सो देर आर सजेशन्स फ़ॉर इम्प्रूमेंट इन चिल्ड्रंस लैंग्वेज सजेशन्स जो हैं वो प्रैक्टिकल सजेशनस हैं जो हम घर में भी यूज़ कर सकते हैं और इस्कूल में भी यूज़ कर सकते हैं किसी लैंगवेज को सीखने के लिए अब किसी से मुराद ये है कि उर्दू पंजाबी हम अपने घर में बोलते हैं उर्दू पंजा के लिए हमें हास एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि घर में चूंकि वो कम्यूनिकेशन हो रही होती है और बच्चे सुन रहे होते हैं और फिर वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे होते हैं उसके लिए हमें इतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है uh, मसला उस वक्त आता है जब किसी सेकेंड लैंग्वेज को सीखने की तरफ हम आते हैं तो इंग्लिश जैसे है इंग्लिश हमारे लिए बड़ा चैलेंज आ जाता है बच्चों के लिए कि हाउ टू टीच दैम एंड हाउ दे विल रिस्पॉन्ड यू उसके लिए कुछ suggestions हैं सजेशन्स ये हैं कि आप इनफॉर्मली बच्चों को घर की चीज़ों के जो नाम हैं वो इंग्लिश में उनको बताइए और फिर उसके बाद छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस या छोटे छोटे जो चीज़ें मंगानी हैं आपने आप उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में कहें कि जस्ट कैन यू ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर कैन यू जस्ट कैन यू जस्ट ब्रिंग योर बुक योर बैग इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें कहिए और जब वो ये काम करे तो उसके बाद उसको आपने अप्रिशिएट करना है बच्चे को बहुत अप्रिशिएट करें लेकिन उसको रियलाइज़ नहीं करवाना कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं दोनों जब आप बच्चे को साइकलॉजिकली ये रियलाइज़ कराते हैं कि हम कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं और जब आप उसको प्रेशराइज़ करते हैं कि यू शुड आंसर इन इंग्लिश तो फिर बच्चे जो हैं वो एक दम से एक उसमें स्ट्रेस में आ जाते हैं कि शायद हम पता नहीं हमें किस मुसीबत में डाल दिया अब हमें बोलनी पड़ेगी और हमें कहना पड़ेगा सो यू शुड क्रिएट द एनवायरनमेंट इनफॉर्मल एंड रिलैक्स इन्वायरमेंट जिसमें बच्चे आपके साथ शेयर करें और वो आ, आ, ऐसे अनकॉन्शियसली यू यू नो समाइम्स पेरेंट्स आस्क य चिल्ड्रन Uh, do you know where is are where my socks? Do you know where is my bag? Do you know where is my uh, uh, my glasses? And Kindle will uh, answer you. And especially another mistake we do uh, in our daily life. Whenever the guests you know arrive in, in at your place, then you ask your child. My child is very fluent in English. So chalo, inko poem sunao English me. Chalo, inki saath English mein baat karke dikhao. This is a biggest मिस्टेक डोंट डू दिस दैट विल pressurize योर चाइल्ड एंड इट विल स्टॉप हिम और हर टू स्पीक एनी language तो ये हमने गलती नहीं करनी किसी भी बच्चे को लैंग्वेज सिखाने के लिए लैंग्वेज आपने घर में इनफॉर्मली उसके साथ जो है वो स्पीच करनी है और आ, कोई घंटा मुकर नहीं करना लैंग्वेज सीखने के लिए आपने ये जो इनफॉर्मल तरीका है जैसे मैं बता रही हूँ कि जो टोटल कम्युनिकेशन घर के अंदर हो रही होती है उसको आपने छोटे छोटे सेंटेंसेस और वर्ड्स के साथ इंग्लिश करनी है यू विल सी आफ्टर वन मंथ द चाइल्ड विल लर्न द लैंग्वेज इन अ बेटर वे बजाय ये कि टीचर जाके सिखाएगी स्कूल में हो सकता है टीचर्स जो हैं वो खुद भी एक्सपर्ट ना हो लैंग्वेज सिखाने के लिए तो ये तरीका जो है इनफॉर्मल वाला घर से शुरू कीजिए और स्कूल के लिए यही सजेशंस हैं कि वहाँ पर बच्चे जो हैं उनकी इंटरेस्ट डिवेलप की जाए लैंग्वेज में और उसके बाद छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ जिसमें कम्युनिकेशन जो है आपस में क्लास फेलोज़ की कम्युनिकेशन छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स कराए जाएँ पोइट्री का कॉम्पिटिशन हो सकता है जैसे प्ले एक्टिविटीज़ है तो आप उसको जो इंस्ट्रक्शन प्ले में देंगे वो सारी उसी लैंग्वेज में दें जिस लैंग्वेज को आप सिखाना चाह रहे हैं उसके बाद स्टोरी टेलिंग है सो आस्क योर चाइल्ड टू इमेजन एनी स्टोरी और और रीड इफ़ यू हैव ऑलरेडी रेड देन यू कैन आस्क योर आस्क द स्कूल चिल्ड्रन टू जस्ट प्लीज़ शेयर योर स्टोरीज

और जब वो प्रैक्टिस करते हैं लैंग्वेज की बोलते हैं तो ऑनेस्टली इफ़ यू ऑब्जर्व दैट आवर मेड्स चिल्ड्रन दे आल्सो लर्न योर लैंग्वेज वट एवर यू आर स्पीकिंग एट योर हाउस तो वो पढ़े लिखे तो नहीं है लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो उस इमिटेट कर लेते हैं तो इसलिए ये इमिटेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे स्पीकिंग एंड हेयरिंग पोइट्री पोइट्री और जो भी आप घर में उन्होंने कोई पोएम सुननी है कोई उन्होंने गूगल प्ले पे जाके देखना है उनको कुछ चैनल सजेस्ट करें कि इस चैनल से आपने फला चीज़ देख के आनी है जब सुबह स्कूल में आए तो फिर आप उनसे वन बाय वन पूछें अच्छा तुमने क्या देखा तुमने कहते हो कैन यू शेयर विद अस सो इन दिस वे द चिल्ड्रन विल लर्न द लैंग्वेज एंड इनफॉर्मल कन्वर्सेशन एंड डिस्कशन दैट यू कैन आस्क वट डिड यू टेक योर ब्रेकफास्ट एंड वट डिड यू डू यस्टरडे और प्लेड एनी गेम कैन यू टेल अस द नेम एंड द the game if you have if you got any success please share with us and then you should appreciate the child and all children in the group you should appreciate them so these are suggestions to learn any language and to improve any language and to you know get mastery of any language